भाई यहां पर हमको यह समझाना है कि अगर एक रस्सी से एक मंकी अटैच है, मतलब उसको पकड़ के लटका हुआ है, और वो उसके ऊपर ऊपर राइज करे या नीचे जाए किसी ऐसे सर से, या रस्सी को पकड़ के केवल रुका रहे, तो हर केस में टेंशन कितना होगा, और हर जो टेंशन होगा हर केस में अलग होगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो टेंशन उसके वेट एमजी से ज्यादा आएगा, वेट एमजी से ज्यादा यानी उसको कुछ भारी महसूस होगा, अपना भार बढ़ जाएगा उसका। और अगर वो किसी एसोसिएशन से नीचे जाए तो उसका वेट कुछ कम महसूस होगा, और अगर केवल रस्सी पकड़ के रुका हुआ है तो उसका जो टेंशन आएगा वो एमजी के बराबर आएगा, मतलब तो उसको अपना नॉर्मल वेट महसूस होगा। तो इसको प्रूव करते हैं, मान लेते हैं कि वो ए एसोसिएशन से ऊपर जा रहा है, यानी पहले केस में मंकी इज राइजिंग अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एसोसिएशन ए। अब मंकी इसको देखो जब पकड़ेगा रस्सी को, तो रस्सी को वो नीचे खींचेगा, तो जब रस्सी को नीचे खींचेगा तो वहां फ्रिक्शन है, तो उसका हाथ जब नीचे सरकना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, या वो फ्रिक्शन यहाँ पे कौन है, टेंशन। तो यहाँ पे जो टेंशन टी है वो ऊपर है, और इसका वेट नॉर्मल वेट एम जी तो नीचे लगेगा ही। तो अब बताओ एफ बराबर एम ए होता है? नहीं, एफ बराबर एम ए नहीं होता, एफ नेट बराबर एम ए होता है। अब एफ नेट में कैसे जानोगे कौन सा फोर्स ज्यादा कौन सा कम? तो देखो टी लग रहा है ऊपर और ये जा भी रहा है ऊपर, तो जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो टी ज्यादा और एम जी कम, और ये दोनों अपोजिट हैं तो माइनस तो होगा ही। तो आप क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी बराबर एम ए, टी बराबर एम जी प्लस एम ए, यानी जो टी बराबर एम जी प्लस एम ए आ रहा है इससे सिद्ध हो रहा है कि जो उसका टेंशन है वो एम जी से एम ए ज्यादा, यानी टेंशन उसका बढ़ गया। तो इस वक्त जो उसका टेंशन है वो कितना है, एम जी से ज्यादा, कब, जब वो राइज कर रहा है। अब मान लो वो रस्सी को पकड़ कर ही और एसेसन ए से ऊपर ना जाकर एसेसन ए से नीचे जा रहा होता, तो नीचे जा रहा है तो एम जी ज्यादा हुआ कि नहीं, और टी जो ऊपर लग रहा है वो कम। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, तो टी बराबर क्या आएगा, टी इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एम जी माइनस एम ए। तो अब जो उसका टेंशन आएगा वो एम जी से एम ए कम आएगा, यानी अब उसका टेंशन कम आएगा। और अगर ये रुका है, सुन लो दो केस है, अगर इसका एसेसन रुका है मतलब जीरो है, या ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, मान लो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से ऊपर जा रहा है, तो एसेसन कितना है, जीरो। और अगर वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तब एसेसन कितना है, जीरो। तो एसेसन जीरो है तो आप क्या लिखेंगे, टी बराबर एम जी, क्योंकि अब ए है ही नहीं भाई, ए वाला टर्म जीरो करो, टी बराबर एम जी, इसमें ए जीरो करो, टी बराबर एम जी। तो अगर वो रुका है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है, तो दोनों केस में टी बराबर एम जी आए। ये समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम? और यही चीज कहां रिपीट होती है, लिफ्ट में, जब आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे जा रहे होते हैं तो एकदम यही आंसर आता है, जहां जहां टी वहां क्या होता है, आर, नॉर्मल ये सब। देखो हमको क्या दिया है, हमको दिया है वी आर गिवन दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी, दो वेक्टर है कोई ए और बी, हमको क्या दिया है उनके प्लस का मॉड, मॉड ऑफ ए प्लस बी, और उनके माइनस का मॉड, और क्या दिया है, दोनों इक्वल। हमको क्या पता करना है ए और बी के बीच का एंगल। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मॉड, इसके मॉड का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, हाँ, और इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस बी दूसरे का स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी, अभी आपको बताया ना ये फॉर्मूला। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, माइनस टू ए डॉट बी को इधर ले आओ, फोर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, फोर से डिवाइड कर दो तो ए डॉट बी बराबर जीरो। और आपको पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा बराबर जीरो। अब ए का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं दिया है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा जीरो होगा,
तो अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना हुआ 90। यही आपको प्रूव करना था, आपको ये प्रूव करना था कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल है तो ये समझाओ कि इनके बीच के एंगल 90 डिग्री है। तो आपने ऐसे बता दिया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप इनके बीच का एंगल पहले ही क्या मान लीजिए 90 डिग्री, तो ए प्लस बी ऐसे आएगा। बोलो भाई, इनके बीच का एंगल मान लीजिए कि 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी ऐसे आएगा भाई, इधर ए इधर बी, तो ये ए प्लस बी आया। बोलोगे यस सर। और अगर इधर बी है तो इधर क्या होगा माइनस बी, तो ए माइनस बी ये आया। तो देख लो जितनी लंबाई ये आ रही है उतनी भी आ रही है भाई। ये अगर a है और ये b है और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ऐसे ही ये लंबाई निकालोगे, ये a है ये b है और ये 90 है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे आप डायग्राम से भी इसको प्रूव कर सकते। नहीं समझे बैठो। देखो हमको क्या गिवेन है, हमको गिवेन है कि a कैप और b कैप दो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, इनका मॉड कितना होगा 1 और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। हमको क्या प्रूव करना है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब ए किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर वेक्टर का स्क्वायर, तो क्या आएगा ए कैप के मॉड का स्क्वायर ठीक प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, जब ए कैप डॉट बी कैप को एक्सपेंड करोगे इसका मॉड कितना है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर, इसका मॉड कितना है 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और यहां पर जब माइनस आप 2 ए डॉट बी को आप एक्सपेंड करोगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा, सॉरी कॉस थीटा। तो ये आएगा 2 मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये सहमत, ए कैप का मॉड 1 बी कैप का मॉड 1 और ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 और ये 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा 2 कॉस थीटा। सही, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 आपने कॉमन कर लिया, यहां क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे आप एक ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो अब आप लिखिए 2 ये वाला 2 1 माइनस, अब देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो 1 से 1 कैंसिल, बोलो 1 से 1 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4, तो आपकी वैल्यू आई 4 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब आप इसका स्क्वायर किए हैं तब ये वैल्यू कितनी आई 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ क्या बचेगा 4 का स्क्वायर रूट 2, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन और थीटा बाई 2। यानी सुनिए, पहले आप ये याद रखिए कि a कैप माइनस b कैप के मॉड का जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है पहले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b। जैसे देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab, तो जहां 2 ab है वहां पर क्या लिखोगे 2 a डॉट b। जब दोनों वेक्टर अलग अलग होंगे ना a और b तो वहां डॉट लगेगा। नहीं समझे, समझ में आया? देखो सुनो, अगर आपके एग्जाम में आए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो, तो मोलर स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी दो होती है। सीपी क्या है, इसका नाम क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका जो रेशियो होता है वो गामा होता है और गामा हमेशा एक से ज्यादा होता है क्योंकि CP की वैल्यू CV से ज्यादा होती है। अब इस गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम F के टर्म में होती है 1 प्लस 2 बाई F। तो अगर मोनोटॉमिक गैस के लिए पूछेगा, मोनोटॉमिक मतलब जो एक एटम हो जिसमें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखोगे 3, तो 1 प्लस 2 बाई 3 कितना आया
1 + 2/3, 5/3 डायटॉमिक गैस होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5, कितनी 5। तो यहां पर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लिख दोगे तो गामा कितना आएगा, गामा आएगा आपका कितना 1 + 2/5, कितना हुआ 1 + 2/5 इसको टू कितना 7/5। और अगर पॉलीटॉमिक गैस होगी, क्या पॉलीटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 6, कितनी, तो यहां से जो गामा की वैल्यू आएगी वो होगी 1 + 2/6 यानी 8/6 यानी 4/3। अब इसको देख के बताओ सबसे ज्यादा कौन आया, देखो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा आएगी उसका गामा कम आएगा, तो सबसे ज्यादा किसके लिए है, पॉलीटॉमिक गैस के लिए, तो इसका गामा देखो सबसे कम आ रहा है 4/3 मतलब 1.33, 7/5 मतलब 1.4, 5/3 मतलब 1.66। तो मोनोटॉमिक गैस का गामा जो है सबसे ज्यादा है, डायटॉमिक गैस का उससे कम है और पॉलीटॉमिक गैस का सबसे कम।